कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी डिमांड है कि वहाँ पर गवर्नर लगाया जाए और अभी तक गवर्नर नहीं है वहाँ पर, गवर्नर ना लगने की वजूहत क्या है आपकी नजर? एक जरा सब फरियाद के दिन थोड़े सुनने में ये आ रहा है कि जहाँ पर वो जलसों में खड़े होके बात करते हैं और निशाना बनाते हैं तनकीद का, वहीं पर पसे पर्दा यानी के रबते किए जा रहे हैं, तो किस हद तक आपसे कोई बात हुई वजीर आजम की या साबिक सदर आसिफ जरदारी की कि ये रबते किए जा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कुछ सेफ सेविंग की जाए? मुझे जरदारी क्यों बताए, मुझे शाहबाज शरीफ क्यों बताए, जिनसे वो रबते कर रहे हैं वो खुद बता रहे हैं आपको, उसमें मुझे कहने की क्या जरूरत है? आपके दौर में पीडीएम की सारी क्यादत उस वक्त आईएसआई चीफ पर इल्जाम लगाती रही और फैज अमीन का तबादला भी पीडीएम के प्रेशर के बाद किया गया, आप क्या कहेंगे कि इस तरह के वाकयात आपने तो सहे हैं? आप देखिए, मैं एक गुजारिश करूं, मैं बड़ी वजाहत के साथ करना चाहता हूं, हमारा एक मुल्क है, मैं कोई इंडिया की फौज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की फौज की बात कर रहा हूँ, उसका मेरा सर रिश्ता है, वो मेरी फौज है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, वो मेरी फौज है, मैं गिला शिकवा कर सकता हूँ किसी भी जनरल से, मैं एक शिकवा कर सकता हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाना, उसकी किरदार कुशी करना, उसको गाली देना, ये तो कोई ऐसी हमारी सियासत का हिस्सा नहीं। जो भी एपिसोड हुआ है इस पे जो इंडिया में जो इंडियन मीडिया को जिस तरह उसकी खुशियां थी जो उछाला जा रहा था उसको अभी आपने कुछ बताया भी है, उस दिन कहते वो तो पाकिस्तान आर्मी से खुश होते, दूसरा सर आईएसआई पे खुश हुए वो कि डीजीसी आईएसआई को इस तरह से रगेटा गया, और दूसरे ये बता दें कि जो शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से जो इस्तदा की है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सुना है कि अदाकार बड़े टॉप दर्जे के अदाकार हैं, वो अपने अदाकारों की एक्टिंग से इतने शायद इंजॉय नहीं किया होगा उन्होंने जितना कि आज हमारे इस एक्टर की एक्टिंग से उसने इंजॉय किया है। ये है हिंदुस्तान की पोजीशन, इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट जो है इंडिया के लोगों की और उनके इदारों के और नहीं हो सकती जो इस वक्त उनकी हुई है। तो जहाँ तक है शाहबाज शरीफ साहब की बात, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब वो वापस आएंगे तो इस पर गुफ्तगु होगी, चूँकि मेरे इल्म में अभी तक नहीं है, वो अभी आज मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो जो ही सूरत हाल आएगी। लेकिन सवाल यह है बुनियादी कि अरशद शरीफ का वाक़ है, अरशद शरीफ के वाक़े में बुनियाद ये रखी गई थी कि हाँ हमने मुल्क से भेजा है, लेकिन एक थ्रेट लेटर की बुनियाद पर भेजा है,